लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर उनके चाहने वालों में खुशी का माहौल है। ये पल उनके और उनके परिवार के लिए बेहद खास है। ये झलकियां लाल कृष्ण आडवाणी के घर से आ रही हैं, जिनमें आप उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी को उनका मुंह मीठा कराते देख सकते हैं। भारत रत्न मिलने पर लाल कृष्ण आडवाणी के बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे, और इस चीज़ की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है, और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। जी, जब राम मंदिर की बात आती है तो आडवाणी जी का नाम साथ में लिया जाता है कि जर्नी ही स्टार्ट उनके थ्रू हुई थी, तो जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान हुई, इनको इन्विटेशन आया, तो उस टाइम पे क्या एक्सप्रेशन थे, बिकॉज उस टाइम पे इनका पब्लिकली बहुत खुश थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उस समय दिया था, वो बहुत खुश थे। स्वाभाविक है कि उनके जीवन का एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने काफ़ी समय से संघर्ष भी किया, उसमें मेहनत भी की, वो सपना पूरा हुआ, तो इसके लिए वो बहुत खुश हैं। जी, अभी जब पीएम की बातचीत हुई, पीएम ने खुद ट्वीट करके बताया कि मेरी बातचीत हुई है आडवाणी जी से, तो उस टाइम पर क्या बातें हुई? वो बहुत बहुत भाव विभोर हैं, सुबह से आंखों में आंसू है, जो अक्सर उनकी उनकी उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में। दूसरे टाइम जब आते हैं तब वो तिरंगे को सलाम करते हैं। ये दो समय में, या उनकी कोई ज़्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं, या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, और ये परिवार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जी, अगर बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर की जो लड़ाई थी वो आडवाणी जी से शुरू हुई थी। जब राम मंदिर की बात आती है तो आडवाणी जी का नाम साथ में आता है, उसके बारे में अगर आपकी कॉन्वर्सेशन हुई, या जब प्राण प्रतिष्ठान का दिन था, वो जब टीवी पर देख रहे थे, तो क्या कैसा माहौल था, कैसा उनके फेस पर एक्सप्रेशन थे? देखिए, 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी जो राम मंदिर के निर्माण के लिए थी, और 1990 से लेके अब तक, आज 2024 हो गया है, इतने वर्षों तक कई लीगल केसेस भी आए, कई और बातचीत हुई, लेकिन आज मंदिर हमारे सामने आया है, और ये एक निश्चित रूप से उनके जीवन काल में हुआ है। तो इसकी बहुत हमें प्रसन्नता है कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, और जो आंदोलन इतना अपनी चरम सीमा तक गया, आज उसे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। मंदिर आज हमारे सामने बन रहा है, और बहुत उसकी हमें खुशी है। निश्चित रूप से उन्होंने एक ये आयोजन किया था इसका, पूरा मूवमेंट का, आज हम देख रहे हैं अपने सामने, बहुत अच्छी बात है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।